साथियों नमस्कार, आपका चैनल पाइपिंग एंड मैकेनिकल ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे डिसाइकल क्या होता है, डिसाइकल का सेफ वर्किंग लोड कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और साथ साथ लाइक करें और रिगिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। डिसाइकल लोड उठाने वाले उपकरण होस्ट हुक या सीलिंग के साथ कनेक्शन यानी जोड़कर भार को उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। डिसाइकल मुख्यतः दो आकार में होता है, एंकर साइकिल या डिसाइकिल यानी जिसका आकार डिस्क टाइप का होता है उसे डिसाइकिल कहते हैं। दूसरा बो साइकिल या चेन साइकिल यानी जिसका आकार धनुषनुमा होता है उसे बो साइकिल कहते हैं। अब जानते हैं डिसाइकिल के पार्ट्स के बारे में। डिसाइकिल कई पार्ट से मिलकर बना होता है, जैसे क्रॉन या बो, पिन हेड, शोल्डर, लॉक्स, जा, पिन, क्लियरेंस, हेक्स हेड पिन, क्वार्टर पिन, ये सब डिसाइकिल के पार्ट्स के नाम हैं। अब जानते हैं डिसाइकिल का लोड लिमिट या लोड कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। डिसाइकिल का लोड कैपेसिटी फार्मूला के द्वारा कैसे निकालते हैं आगे की वीडियो में देखेंगे। डिसाइकिल के बॉडी पर भी डिसाइकिल का लोड कैपेसिटी दिया रहता है, जैसे इस डिसाइकिल में WLL यानी वर्क लोड लिमिट है। A45 यह डिसाइकिल का एंगल बताता है, यह मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा है, यह डिसाइकिल के दूसरे साइड का एंगल है, यह डिसाइकिल का साइज है, यह डिसाइकिल का ट्रेसिबिलिटी कोड या बैच कोड है, यह डिसाइकिल को चेक करने के लिए है। अब जानते हैं डिसाइकिल का लोड लिमिट फार्मूला से कैसे निकालते हैं। डिसाइकिल का SWL यानी सेफ वर्किंग लोड, WLL यानी वर्किंग लोड लिमिट बराबर D² × 8 होता है। एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं, अगर 3x8 इंच का डिसाइकिल है तो सेफ वर्किंग लोड लिमिट बराबर D² × 8, यहाँ D डिसाइकिल का डायमीटर है, तो 3x8 × 3x8 × 8 बराबर 1.125 टन यानी डिसाइकल का सेफ वर्किंग लोड लिमिट 1 टन होगा। और आज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हो सकता है सब्सक्राइब भी कर लिया हो, घंटी भी बजा दी हो, लेकिन अपने 3-4 दोस्तों को कम से कम फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें कि वो भी बेल आइकन को प्रेस करें और वहाँ तक ये नोटिफिकेशन जा सके। अगर मेरे वीडियो से मदद होती हो तो हर बार मेरे रिक्वेस्ट किए बिना लाइक कर दिया करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।